चाहता है, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इंडिया हमेशा सक्षम था, सक्षम है, सक्षम रहेगा। निधि, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? ये पाकिस्तान के खिलाफ। अभी ये सरकार किसकी है? देखिए सर, जो पाकिस्तान है जब वो ऐसी हरकतें करेगा, सरकार जो है उसको कतई माफ नहीं करेगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो जरूर मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था में चूक मानते हैं? नहीं, व्यवस्था में जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी बिल्कुल, जिम्मेवारी देखिए, जो भी सुरक्षा है वो कतई करी जाती है, बहुत ज्यादा करी। मोदी जो, अमित शाह जी वो हमारे लीडर हैं, जो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस, जिन्होंने यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की कभी, उन्होंने यहाँ पर बोल दिया था कि कोई भी जो फौजी को या कोई भी जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करेगा उसको हम कभी बख्शेंगे नहीं। ये जीरो टॉलरेंस उन्होंने लगाई थी, जो पहली जीरो टॉलरेंस जो पहली हुकूमतें लगाती थी। सबके मिलिटेंट का कोई धर्म, मैंने कहा धर्म मान नहीं होता, ये कहीं भी किसी वक्त भी आ सकते हैं, कहीं भी किसी बेस में भी आ जाते हैं, इसमें क्या कहा जाता है। सुरक्षा अपनी तरह से ठीक है, सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बुखलाहट है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे इधर भी कुछ लोग होंगे जो उनके साथ दे रहे होंगे। मैं उनको भी यही कहूँगा कि आप ना हिंदुस्तान का राशन खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के गुण गाते हो, और हिंदुस्तान के बन के रहो, राष्ट्रवादी बन के रहो, उनका साथ मत दीजिए जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। सुरक्षा बल जहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, सुरक्षा बल पे हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आम जनता कैसे यकीन मानेगी कि वो सुरक्षित है? देखिए, जो हमारे जवान हैं वो भी एक इंसान है, वो आम जनता की सुरक्षा के लिए ही निकले हैं। तो ट्रेनिंग होती है, उनके पास हथियार भी होते हैं, लेकिन आम जनता के पास ट्रेनिंग नहीं होती है ना हथियार। अचानक कोई आ जाता है, गोलीबारी चला देता है, कहीं छुपा होता है, और जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ घनेरा जंगल था, आप कहते हैं वहाँ मिलिटेंट सा गढ़ था, वहाँ मिलिटेंट रहते थे, अब इकड़ टुकड़ बैठे होंगे, वहाँ से नीचे निकल के जंगल से आ गया, पता नहीं चला होगा, लेकिन एनी हो ग्रेनेड से मारते हैं, गाड़ी को फूंक दिया, जला दिया, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? मुझे लगता है कि पूरा जंगल घेरा हुआ है और एक भी मिलिटेंट नहीं बचेगा। बातचीत करेंगे सर, कैसे देखते हैं ये जो कायराना हरकत जो है ये हुई है, और आज भाजपा के द्वारा जो है प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है? देखिए, जो कायराना हरकत पाकिस्तान के इन पहाड़े के टट्टू जो मिलिटेंट अपने नाम को कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जो इन्होंने की है ये कायराना हरकत है, निंदनीय हरकत है, और मुझे लगता है कि ये इस पाकिस्तान की बुखलाहट है जो उसके सामने आ रही, क्योंकि उसको लगता है कि हिंदुस्तान में रुकने वाला नहीं है, हिंदुस्तान जो विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है, विश्वगुरु बन के रहेगा, और इसको कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, और मैं पाकिस्तान के साथ साथ उन कंट्रीज़ को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, जो कंट्रियाँ कुछ इसको साथ दे रही हैं वो बाज आ जाएँ, और पाकिस्तान को भी समझाएँ और ख़ुद भी समझें, निहत्ता पाकिस्तान का वो हाल होगा जो एक गिद्दड़ जो शहर की तरफ भागता है तो उसका मौत निश्चित होती है, इसी प्रकार पाकिस्तान की मौत निश्चित है। और मुझे लगता है कि जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है इससे पाकिस्तान का पूरी दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा, और बहुत जल्द पीओके जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल होगा, और हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में राज करेगा। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये किसके खिलाफ है? ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ है, उस मिलिटेंटों के खिलाफ है जिन्होंने ये कायराना हरकत की है। हम अपनी आर्मी को भी ये कहते हैं कि जल्द से जल्द सर्च करके ऐसे मिलिटेंट को मौत के घाट उतारना चाहिए। हम सरकार को भी यही कहेंगे कि सरकार को संज्ञान लेकर आर्मी को फुल अख्तियार देकर पाकिस्तान में घुसने की इजाज़त दी जाए, और जो यहाँ जहाँ जिनके कैंप हैं वो कैंप को तहश नहश करके ख़त्म कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। ये सुरक्षा व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं एक चूक मानी जा सकती है? देखिए, ये नियम है कि ट्रांसफ़र्स होती हैं, गाड़ियां आती हैं, और आप समझ रहे हो कि हमारी आर्मी क्या करती, इस इफ्तियार पार्टी की तैयारी के लिए वो सामान लेने गए थे और सामान लेने के वापस आते हैं, तो ये कौन सा करान है इनका, इन मिलिटेंटों का कौन सा धर्म है, कौन सा करान है, क्या समझते हैं ये? करान में क्या ये लिखा है कि जो धार्मिक स्थल पर जाते हैं या कोई इफ्तियार पार्टी है या ईद का प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ ये गोलियाँ चलाएँगे? इनका तो कोई दीन मजहब ही नहीं है, इनका कोई समाज ही नहीं है, ये तो मेरे ख्याल लगता है राक्षस हैं, राक्षस के रूप में आए हुए हैं। और जिस प्रकार रामचंद्र के टाइम राक्षस का विनाश हुआ था, अभी भी मिला मोदी जी के राज में इन सभी राक्षस का व्यवस्था में चूक है या नहीं? देखो, मैं नहीं ये मानता सच्चा कि मिलिटेंट का कोई धर्म, मैंने कहा धर्म मान नहीं होता, ये कहीं भी किसी वक्त भी आ सकते हैं, कहीं भी किसी बेस में भी आ जाते हैं, इसमें क्या कहा जाता है। सुरक्षा अपनी तरह से ठीक है, सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बुखलाहट है,
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे इधर भी कुछ लोग होंगे जो उनके साथ दे रहे होंगे। मैं उनको भी यही कहूँगा कि आप ना हिंदुस्तान का राशन खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के गुण गाते हो और हिंदुस्तान के बन के रहो, राष्ट्रवादी बन के रहो, उनका साथ मत दीजिए जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। सुरक्षा बल जहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, सुरक्षा बल पे हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आम जनता कैसे यकीन मानेगी कि वो सुरक्षित है? देखिए जो हमारे जवान हैं वो भी एक इंसान है, वो आम जनता की सुरक्षा के लिए ही निकले हैं। तो ट्रेनिंग होती है, उनके पास हथियार भी होते हैं, लेकिन आम जनता के पास ट्रेनिंग नहीं होती है ना हथियार। अचानक कोई आ जाता है, गोलीबारी चला देता है, कहीं छुपा होता है और जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ घनेरा जंगल था, आप कहते हैं वहाँ मिलिटेंट सा गढ़ था, वहाँ मिलिटेंट रहते थे, अब इकड़ टुकड़ बैठे होंगे, वहाँ से नीचे निकल के जंगल से आ गया, पता नहीं चला होगा, लेकिन एनी हो ग्रेनेड से मारते हैं, गाड़ी को फूंक दिया, जला दिया, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? मुझे लगता है कि पूरा जंगल घेरा हुआ है और एक भी मिलिटेंट नहीं बचेगा, सबको मार रहे हैं। कायराना हरकत है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान देखो हमारी आर्मी जो है सक्षम है, वो अच्छी कार्रवाई कर रही है, जैसे आपने देखा ही होगा जब से 370 गई है हमारे जेएंडके में हालात में काफ़ी सुधार हुआ है। आगे काफ़ी पत्थरबाजी होती थी, आप उस पर पूरी तरह से नकेल कसी हुई है कि पूंछ इलाके से आर्मी की कार्रवाई जारी होगी, उसमें गाड़ी थी, किसी ने पहाड़ के ऊपर से ग्रेनेड चला दिया होगा जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। ये कायराना हरकत है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सुरक्षा जो व्यवस्था है उसमें भी चूक है? ये सुरक्षा व्यवस्था में इसको चूक नहीं कह सकते हम, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था है तभी तो जेएंडके के हालात जो है काफ़ी सुधरे हैं। आपने देखा होगा पहले और आज जेएंडके में काफ़ी फर्क है, सुरक्षा में इसमें कोई चूक नहीं है, ये कायराना हरकत है, किसी ने ऊपर पहाड़ी से ग्रेनेड लगा दिया होगा जिसमें ये 5 जवान शहीद हुए हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे हम? मौत का बदला मौत, अगर उन्होंने हमारे 5 शहीदों शहीद किए हैं, हम उनके 50 शहीद करा देंगे, हम डरेंगे नहीं, हिंदुस्तान किसी से डरता नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है, वो हिंदुस्तान का बच्चा है, आज वो अगर ऐसे साइडों पे खड़े होके जंगलों में छिपके अगर वो अटैक करता है, वरदान गया है तो सामने आए, सामने आके अटैक करे, फिर हम उसको बताएंगे हम क्या है, ये छुप छुप के अटैक करना, ऐसे निर्दोषों को मारना, वो भी ऐसे दिन जब कोई त्यौहार होता है, त्यौहारों में हम कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं करते, हमारी तरफ से त्यौहारों में कोई भी ऐसा कांड नहीं होता है जो शर्मनाक होता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा चोर है, ऐसा गंदा देश है, वो हमेशा त्यौहारों पे छुप के जब सब त्यौहार मना रहे होते हैं वो इसी चीज़ की साजिश कर रहा होता है कि हम किस तरह से वहाँ पर अटैक करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज पाकिस्तान को हम ये सबक देना चाहते हैं, हम एक हफ्ते के अंदर अंदर जिन्होंने भी हमारे निर्दोष सेना को मारा है, हम उनके एक हफ्ते का मौत के घाट उतार देंगे। मोदी भाई हमारे नरेंद्र भाई मोदी किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो गलत है वो गलत है, सही का हम साथ देते हैं, गलत को हम मिट्टी में मिला देते हैं और इनको भी हम मिट्टी में मिला देंगे, ये हमारा पूरा आश्वासन है आपसे। क्या कारण है कि अभी तक आतंकवाद जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है? देखिए कोई भी बीज जम्मू कश्मीर, जब कोई भी बीज लग जाता है उसको ख़त्म करने के लिए टाइम लगता है, आतंकवाद मैक्सिमम ख़त्म हो गया है। आज हम अगर हम जे एंड के में इत्मान से रह रहे हैं, आपने भी सुना होगा, आपने देखा हो मीडिया के आप लोग हैं, बहुत सारी खबरें जो पहले आती थी लगातार आती थी अब वो नहीं आते हैं, अब मिलिटेंटों के कांड, क्योंकि अब हमने भी हथियार उठा लिए हैं और हम भी मौत का बदला मौत से उठाते हैं, अगर कोई गोली चलाएगा तो हम 5 गोली चलाएंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, मिलिटेंसी मैक्सिमम ख़त्म हो गई। अब फिर भी कोई गिने चुने को छुप जाते हैं, जो हम कहते हैं डरपोक होते हैं, कांडी होते हैं, वो ऐसे छुप कर अटैक करते हैं, मर्दानगी है तो सामने आके लड़ो, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़े, फिर देखते हैं कौन बहादुर है और कौन क्या है, ऐसे लड़ने से वो क्या बताना चाहते हैं हमें कि हिंदुस्तान डरता है? उसे हिंदुस्तान डरता नहीं है, हिंदुस्तान उसका बाप है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हिंदुस्तान उसका बाप है, बाप हमेशा बाप रहता है और बेटा हमेशा बेटा रहता है, हम डरेंगे नहीं ना झुकेंगे हम। चले यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर सीनियर नेता सारे लोग जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जो कल हमारे 5 जवान जो शहीद हुए हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है लोगों में रोष है, गुस्सा है। आइए बाकी लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं इस पर। हमारे फौजियों को मारा गया, जो उनकी शहादत हुई है वो बेकार नहीं जाएगी, यहाँ पर बदला लिया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी जो अमित शाह जी वो हमारे लीडर हैं, जो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस, जिन्होंने यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की कभी, उन्होंने यहाँ पर बोल दिया था कि कोई भी जो फौजी को या कोई भी जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करेगा उसको हम कभी बख्शेंगे नहीं, ये जीरो टॉलरेंस उन्होंने लगाई थी, जो पहली जीरो टॉलरेंस जो पहली हुकूमतें लगाती थी वो सब झूठ था, फ्रॉड था, यहाँ पर पत्थरबाजी थी, पत्थरबाजी बंद, यहाँ पर हवाला के पैसा आता था, हवाला का पैसा बंद, यहाँ पर
जिस प्रकार से यहाँ की हुडिया JKLF ये सारी जो जमातें थी आज सब जेल के पीछे हैं। आज यहाँ पर जो ISIO एकदम कमज़ोर हो चुकी है और इसी कारण ये बौखलाहट के कारण ये जो वारदात करते हैं इससे कुछ नहीं बनने वाला। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर जाकर, ये दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक को न्योता दे दिया आज इन्होंने। वहाँ पर पुंछ के अंदर जिस प्रकार से रजौरी के बॉर्डरों के ऊपर जिस प्रकार ये आकर इन्होंने निहत्तों को गाड़ी के अंदर पीछे से चाकू घोंपा है, एक एक फौजी एक एक यहाँ का राष्ट्रवादी फकत इसका बदला लेगा, एक भी आतंकवादी नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू कश्मीर का इतिहास गवाह है, हम लोग अपनी सरहदें बढ़ाते हैं कम नहीं करते और ये समय आ चुका है पाकिस्तान को इसकी करनी भुगतनी पड़ेगी। जहाँ पे एक आटे के लिए वो बिलख रहा है, रो रहा है वहाँ का नौजवान, वहाँ का आदमी, अब समय आ चुका है उसको पाकिस्तान को जो विश्व का नक्शा है उसमें से मलिया मेट करेंगे। ये हिंदुस्तान है आज की तारीख में। पाकिस्तान पाकिस्तान की कायरतापूर्वक ढंग से जो उन्होंने हरकत की है, जिस प्रकार उसने फौजियों के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, उसके खिलाफ हो रहा है ये। जीरो टॉलरेंस है और सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो शांति दूत बन के शांति लाई, जो पत्थरबाजी खत्म की, जो हवाला खत्म किया, यहाँ पर जिस प्रकार के हुर्रियत के और बाकी आतंकवादियों को जेल के पीछे फेंका, यहाँ तो उनको मार दिया। यहाँ की आज आतंकवादी की उम्र 36 घंटे से ज़्यादा नहीं है। आज कमांडर बनने के लिए लोग पहले आगे आते थे, आज डर के बिल्लों के पीछे छुप रहे हैं। ये यहाँ पे जो परिवर्तन आया है उससे बौखलाहट है, ISI जीरो हो चुकी है यहाँ पर। इसलिए निहत्तों को मारना, पाकिस्तान को इसका सबक सिखाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक से, या कोई भी हमारी आर्मी इतनी सशक्त है, नरेंद्र भाई मोदी अमित शाह जी इतने सशक्त हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। आखिरी दुश्मन को भी मारकर हम जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान 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 देखिए जिस प्रकार से कल पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने हमारे देश के जवान सिपाहियों को शहीद किया पुंछ में, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करेंगे कि जैसे पहले भी सरकार ने पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब दिया है, इस बार भी उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि G20 समिट इस बार भारत में हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक कुड़की हुआ देश है, आज पूरे दुनिया ने उसका बायकॉट किया है और भारत पूरे विश्व की 5वें नंबर की इकॉनमी बना है, GDP बना है, तो इसका पाकिस्तान को बड़ा दुख है और इस चीज़ को रोकने के लिए कि भारत का नाम खराब हो, G20 समिट जो है वो डिस्टर्ब हो, उन्होंने ये कायरतापूर्वक हमला जो है वो हमारे देश के सिपाहियों पर किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और आपने देखा कि अब आज हमने यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं और देश का एक एक सच्चा जो देश का देशभक्त है वो सभी भारतीय जवानों के साथ, सेना के साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। सरकार को कभी भी आम युवाओं की, आम लोगों की ज़रूरत अगर पाकिस्तान के खिलाफ पड़े तो हम सब अपनी भी शहादत देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद जय भारत। भाजपा नेता हमारे से मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि मंगोत्रा है, काउंसलर वार्ड नंबर 17। आज जैसे हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि पुंछ में एक घिनौनी हरकत जो है जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है उसने आज फिर ऐसा किया है, इस चीज़ के लिए उसको
कतई भी माफ नहीं किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो इंडिया को इतने ऊंचे स्तर पर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान से यही चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही और अपनी इन घिनौनी हरकतों से हमें रोकना चाहता है, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इंडिया हमेशा सक्षम था, सक्षम है, सक्षम रहेगा। निधि, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? ये पाकिस्तान के खिलाफ। अभी सरकार किसकी है? देखिए सर, जो पाकिस्तान है जब वो ऐसी हरकतें करेगा, सरकार जो है उसको कतई माफ नहीं करेगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो जरूर मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था में चूक मानते हैं? नहीं, व्यवस्था में चूक। जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी बिल्कुल, जिम्मेवारी देखिए, जो भी सुरक्षा है वो कतई करी जाती है, बहुत ज्यादा करी होती है, पर ये लोग जो है अपनी ऐसी घिनौनी हरकतें ऐसे जंगलों में ऐसे घुसपैठ भीड़ के पीछे छुप के जब वार करेंगे तो फिर उनको हम लोग जो है हम मुंह तोड़ जवाब जो है वो सामने से देंगे, पीठ पीछे नहीं देंगे। सुरक्षा व्यवस्था में आप इसको चूक नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कि पीठ पीछे से वार होगा उसमें जो है वो सुरक्षा जो है वो है ही है, वो नहीं है कि सुरक्षा में कहीं कमी है। नहीं, हर जगह आप देखिए, आजकल तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो आर्मी को भी इतनी सारी जो फोर्स है वो दे रखी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जो पीछे से वार करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। जी, क्या किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम कार सिंह है। देखिए, ये इस समय जो भारत में खासकर कश्मीर में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, उससे बखलाकर एक ध्यान भड़काने की कोशिश जो पाकिस्तान द्वारा की, जो पुंछ में हमारे 5 वीर जवान शहीद हो गए, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मुझे यकीन है, और खासकर अमित शाह और प्रधानमंत्री पर आने वाले दिनों में इसमें संज्ञान लगे, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको मौत के घाट उतारा जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर में रियासत में जो अमन शांति भाईचारा अपना बना है उस भाईचारे को बने। आप देखिए, इस समय कश्मीर में हर जगह पीसफुल है, लोग टूरिस्ट आ रहा है, जम्मू में आ रहा है, लेकिन एक सिर्फ ध्यान भड़काने की कोशिश है। आपको G20 कश्मीर में होने जा रहा है, उसको ध्यान भड़काने के, कश्मीर में समय पीसफुल साफ सब कुछ हो रहा है, एक ध्यान भड़काने की जरूरत है। लेकिन जो कारियाना हरकत की है, मैं आने वाले दिनों मुझे यकीन के साथ कहता हूँ, इन उग्रवादियों को मौत के घाट उतार कर इसका बदला लिया जाएगा। आपकी इस सब पे क्या राय है? किस तरह की कार्रवाई जो है इन कायर आतंकवादियों पे होनी चाहिए, और क्या कुछ आप सोचते हैं? अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में जो है जरूर दीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।